हेलो एंड वेलकम टू इंडियन रेसिपीज़ होम। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले हम पकौड़े का घोल बना के तैयार कर देंगे। ये मैंने लिया है 1 कप बेसन, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक, और थोड़ी अजवाइन डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर बना लेंगे। स्मूथ बैटर बनाना है हमें। इसको हमें फेंटना है 3 से 4 मिनट, जब तक ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाए। ये जो गांठें नज़र आ रही हैं इसके अंदर, वो नहीं होनी चाहिए। इसमें हम 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। और इसको मैंने 5 मिनट तक फेंटा है, ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है हमारा बैटर। अब इसको हम रख देंगे 5-10 मिनट के लिए, तब तक हम कड़ी का घोल बनाएंगे। इसको हम अभी रख देंगे थोड़ी देर 10 मिनट के लिए, तब तक हम कड़ी का घोल बनाएंगे। ये मैंने ले ली है 2.5 कप दही। अब इसमें मैं 3 बड़े चम्मच बेसन डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके। बेसन डालते हुए मिक्स करते रहेंगे साथ साथ। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 3 कच्ची मैंने बेसन ले लिया। अब इसको हमें अच्छी तरह फेंटना है, कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए इसमें बेसन की। ये देखिए अच्छी तरह से बेसन घुल गया हमारा, दही और बेसन। थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, अपने स्वादानुसार नमक। मिक्स कर लेंगे इनको भी अच्छी तरह। कड़ी के लिए बैटर बना लिया हमने। अब हम गैस पे कुकर गरम कर लेंगे। 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया मैंने इसमें। ऑयल गरम हो गया, हम मेथी डाल देंगे इसमें। 1 चम्मच मैंने मेथी दाना डाला। ये 2 लौंग डाल रही हूँ मैं। जीरा, गैस को हल्का कर देंगे थोड़ा सा। हींग, 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी, लाल मिर्च पाउडर, करी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने। थोड़ा पानी डाल देंगे। कड़ी के लिए जो बैटर बनाया था वो डालते जाएंगे, उड़ाते जाएंगे। और इसको हम मीडियम गैस पे तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाएगा। पानी और डाल देंगे इसमें थोड़ा, ये बनते बनते बहुत गाढ़ी हो जाएगी। मैंने इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी डाल दिया है। अगर आपको लगे कि दही कम खट्टा है आपका, तो आप टाटरी डाल सकते हैं थोड़ी सी। मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डालूंगी। कड़ी काफी गाढ़ी होने लगी है तो मैं और भी पानी डाल दूंगी थोड़ा सा। और ये पानी आपको अंदाजे से ही डालना पड़ेगा। जब लगे कि कड़ी बहुत गाढ़ी होने लगी है तो पानी डाल देंगे थोड़ा, क्योंकि बेसन फूलता है जैसे जैसे कड़ी गाढ़ी होने लगती है। कड़ी के लिए आप हमेशा गाढ़ा दही लें तो कड़ी भी बहुत क्रीमी क्रीमी बनेगी आपकी। ये दही मेरी बिल्कुल फ्रेश थी तो ये खट्टी नहीं थी ज़्यादा। मैं इसमें थोड़ा सा टाटरी डालूंगी, ये देखिए। और अगर आपके पास टाटरी ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। अगर आपको लगे कि दही कम खट्टा है आपका, तो आप टाटरी डाल सकते हैं थोड़ी सी। कड़ी में खटास नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। कड़ी में उबाल आने लगा है तो अब हम इसको चलाना बंद कर देंगे।
और इसको हल्की गैस पे कम से कम आधा घंटे के लिए पकने देंगे। ये देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है और मैं पानी डालती जा रही हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा। अब हम इसको सिम गैस पे करके रख देंगे, तब तक हम पकौड़ी बनाएंगे अपनी। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया मैंने कि बैटर को एक बार फिर से फेंट लेंगे अच्छी तरह। इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाला इसमें मैंने, जितनी इसको बस जितनी अच्छी तरह से आप इसको फेंटेंगे उतनी सॉफ्ट पकौड़ी बनेगी। ऑयल गर्म हो गया हमारा, पकौड़ी बनाएंगे। आप अपनी पसंद से बड़ी या छोटी थोड़ी पकौड़ी बना सकते हैं, छोटी पसंद हो तो थोड़ी छोटी बना लें। पकौड़ियों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे हम पलट पलट के। पकौड़ी सीख लेंगे, इनको मैं निकाल लूँगी। बीच बीच में कढ़ी को भी चलाते रहेंगे। कढ़ी को कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तक पकाना चाहिए। और इसी तरह हम बाकी की पकौड़ी बना लेंगे। इन्हें भी हम निकाल लेंगे और बाकी की पकौड़ियाँ भी इसी तरह से बना लेंगे। पकौड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और कढ़ी भी काफ़ी पक चुकी है हमारी, लेकिन अभी हम इसको 10-15 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए अब हम इसमें पकौड़ी भी डाल देंगे। अपने पकौड़े डालने के बाद 3-4 मिनट तक और पकाएंगे। कढ़ी हमारी तैयार हो गई है, पूरे 50 मिनट तक पकी है कढ़ी। और गैस बंद करने के बाद भी थोड़ी देर में ये टिक हो जाएगी थोड़ी सी। बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ी बनी है। गैस बंद कर देंगे अब हम। सर्विंग बाउल में कढ़ी निकाल लूँगी मैं, थोड़ी सी तड़का बना देंगे। थोड़ी सी राई डाल देंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, और ये तैयार है हमारी कढ़ी पकौड़ा। आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।